अपना गैलरी ओपन करें, इस फोटो को सेलेक्ट करें जो एडिट करना चाहते हैं। मेरा ये फोटो रहा, शेयर करेंगे लाइट रूम में। इसको बैक करेंगे, बैक करने के बाद अपना लाइट रूम ओपन करेंगे, अपना फोटो को देखेंगे। फर्स्ट अपना कलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ रहा कलर वाला आइकन मिक्स टूल। इसके बाद फर्स्ट वाले कलर को प्लस करेंगे, 39 रखेंगे। इसको भी प्लस करेंगे, 39 रखेंगे। इससे देखो फेस का अच्छे होता है भाई, कब करने के बाद ब्लैक हो जाते, सब गोरा जाता। 50 रखेंगे। इसके बाद येलो कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसको प्लस करेंगे 100। ग्रीन कलर को भी प्लस करेंगे 100। उसके बाद करेंगे डन। डन करने के बाद ये वाला आइकन पाएंगे, बिगिनर को थोड़ा कम करेंगे, 30 रखेंगे। माइनस मल्टीप्लाइड को भी, इसको भी माइनस रखेंगे 15। इसके बाद करेंगे इसमें जाएंगे वाला आइकन पे, ये वाला आइकन पे, इसको भी प्लस करेंगे 100। इससे क्या होता है फेस भाई स्मूथ होता, तो माइनस करेंगे कैसा हो जाएगा फेस। तो इसके बाद बढ़ाएंगे हम, प्लस रखेंगे 100, इससे फेस स्मूथ हो जाता है। उसके बाद करेंगे हम बैक, फिर हम आएंगे ये वाला लाइट वाला आइकन पे, ब्लैक का कम करेंगे अपना फ़ोटो के हिसाब से। ज़्यादा करने के बाद ब्लैक हो जाता है, तो अपने फ़ोटो के हिसाब से -25 रखेंगे। उसके बाद फ़ोटो कर लेंगे सेव वाला फ़ोटो को, हम सेव करने के बाद इसको हम डिलीट कर देंगे बैक, यहाँ से बैक करने के बाद इस फ़ोटो को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद फिर से अपना गैलरी ओपन करेंगे, गैलरी ओपन कर जब फोटो को हम सेव करेंगे, फिर से शेयर करेंगे लाइट रूम में। लाइट रूम में ऐड आने होगा भाई, फिर बैक करेंगे, लाइट रूम ओपन करना, फिर अपना फ़ोटो को जो शेयर करें उसको देखेंगे। कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको हल्का टेम्पलेट को हल्का माइनस रखेंगे, तो ज़्यादा माइनस है फोटो का फेस ख़राब हो जाता है, तो -10 रखेंगे। मिक्स टूल, फिर इसको हम येलो कलर पर जाएंगे, इससे फेस गोरा होता है, इसको प्लस रखेंगे 29। फिर वाला येलो कलर का 100, फिर इसको भी 100, फिर इसको भी 100 कर देंगे। उसके बाद डन। डन करने के बाद हम फिर आएंगे बिगिनर पे, इसको बिगिनर का थोड़ा कम करेंगे और फोटो के हिसाब से -16 रखेंगे। ये वाला आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फिर इससे फेस स्मूथ होता भाई बताए तो, इसको भी 100 प्लस कर देंगे। फिर लाइट में जाएंगे, थोड़ा ब्लैक को कम करेंगे, 7 रखेंगे माइनस। इस साइडो को हाइलाइटेड को बोलो, इसको साइडो को भी थोड़ा बढ़ाएंगे, 16 और 17 रखेंगे, तो भाई गोरा हो जाता फेस। उसके बाद डन करेंगे, फोटो को आप सेव करेंगे, शेयर करेंगे, फिर हम बैक करेंगे, इसको फिर डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद भाई फिर से गैलरी में जाएंगे, जो फ़ोटो को सेव किया फिर से शेयर करेंगे लाइट रूम में, जो फ़ोटो सेव किया। ये रहा मेरा फ़ोटो, शेयर करेंगे लाइट रूम में, लाइट रूम में ऐड हो जाएगा भाई। उसके बाद बैक करने के बाद फिर लाइट रूम ओपन करना, लाइट रूम ओपन हो जाएगा भाई। फिर से जाएंगे हम कलर वाला आइकन पे, यहाँ ये रहा मेरा कलर वाला आइकन, इसको थोड़ा माइनस करेंगे टेम्परेचर को, हल्का माइनस रखेंगे, 6- रखेंगे। उसके बाद जाएंगे मिक्स टूल, मिक्स टूल पे जाने के बाद येलो वाला कलर को -100 यू को, फिर इसको भी सेचुरेशन को भी -100 रखेंगे। ग्रीन को +100 रखेंगे, इसको भी +100 करेंगे। देखो भाई फोटो कितना मस्त हो गया। उसके बाद डन करेंगे, डन करने के बाद हम जाएंगे वाला आइकन पे, बिगिनर को थोड़ा कम करेंगे, अपना 15- रखेंगे। उसको मल्टीप्लाई को भी थोड़ा हल्का माइनस कर देंगे, 24। उसके बाद ये वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, इसको फिर से +100 कर देंगे, इससे फेस बताएंगे स्मूथ होता है। को भाई फेस स्मूथ हो गया। इसके बाद हम
इस फोटो को कर लेंगे सेव और दिखाते हैं फिर गैलरी में भाई ये कितना मस्त हुआ। बैक बैक करने के बाद तो हम गैलरी में दिखाते हैं अपना फोटो कितना मस्त हुआ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई फोटो पसंद आए तो।